बंद करो दरवाजा, आप बंद कर रहे हो। कुड़िया नु धक्के मारे ने बंदे ने, फड़ो नु आ वेखो डॉक्टर दे गल पा के सत्या हो जाऊंगे। ए बंदे ने हॉस्पिटल दे विच आ के पूरा गदर पाया बंदे ने। पंजाब पुलिस बुच्चड़े मुर्दाबाद। ये तस्वीरां गुरदासपुर के बटाला दियां ने, जिथे उस वेले एक हस्पताल चाई पुलिस नूं भाजड़ पै गई जदों ऑपरेशन थिएटर चों निकले डॉक्टर अते हस्पताल दे मालक नूं थाणा सिटी दे SHO ते गंभीर इल्जाम लगाए। हस्पताल च डॉक्टरां मुताबक पुलिस वालियां ने खूब गदर मचाया, पर जदों SHO हस्पताल दे मालक नूं ही पै निकलिया अते एक होर डॉक्टर दी हस्पताल च ढा के कुटमार कीती तां सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया। होर ता होर हस्पताल दे डॉक्टरां ने ए भी इल्जाम लगाया कि SHO ने लेडी स्टाफ नूं गंदियां गालां कढ़ियां। समस्या भाजी वेखो एक आ कि मतलब साढ़े कोल एक मरीज आया इत्थे, पेशेंट नूं गड्डी ने टक्कर मारी हैगी और मरीज दी लत्त टुटी हैगी। मरीज एक रात साढ़े कोल दाखल रहा, अगले दिन अहीं उहनूं रैफर कर दिता कि मतलब एक्सीडेंट केस आ, तुसीं अपना होर कितों इलाज करा लो, इत्थे मतलब एक्सीडेंट केस आ, चलो हाँ अहीं इलाज कर भी देना हैगा। पर मरीज़ फौजी सीगा, फौज में सीगा, उन्हें कहा मेरा इलाज मैं किसी फौजी कोटे चो करा दे जा मरीज़ नूं, हाँ नहीं तो मरीज़ चला गया। अगले दिन ये आके 3 घंटे हो गए ने, इन्होंने आ के इतने पूरा गदर पाया बटाला पुलिस ने, डॉक्टरां नूं नर्सां नूं पूरा हॉस्पिटल घेरिया वा। और मैं इन्हों कहा कि मरीज़ नूं जिहड़ी एंबूलेंस लैके गई है उसका नंबर, आ एंबूलेंस का नंबर, आ ड्राइवर का नंबर, तुम आपे मरीज़ जिहड़े हॉस्पिटल गया आपे देखो जिथे सानूं इहदे नाल की मतलब। पर इन्होंने इतने दबके मारे आ गए, ताड़े दे परचा करांगे, तैनूं थाने खड़ दा वा, तू रुमाल ला के जिहड़ा आ सिटी दा SHO मुख्तियार सिंह बुच्चड़ ते अपना रुमाल ला के मैनूं कहिंदा कि मैनूं पसंद आ, मैं कौन आ, मैं तैनूं हुणे सिद्धा कर दांगा। जदों इन्हें इन्नी गल कही आ, स्टाफ इकट्ठा हो गया, डॉक्टर इकट्ठे हो गए, चलो डॉक्टर तो सारे स्टाफ ने इकट्ठे हो गए, मुर्दाबाद के नारे मारे ने, यह बंदा बाज बाहर नूं दौड़िया। फिर इन्हें रस्ते दे विच जिन्नियां लड़कियां स्टाफ लेडीज आओ दस्सो तुम प्रॉब्लम की है जो हॉस्पिटल गरीबां दे इलाज होने ने, खोते लुटन डे ने, अं इलाज करने इन्हों खुंदे गा बकायदा पुलिस नू आके सम्मानित करना चाहिए, पुलिस को गोल्ड मैडल ना सम्मानित करना चाहिए। अमरीका कनेडा यूरोप वर्गी कंट्री से मेरे वर्गे बंदा है तो मैनू लगता कि वह बंदे मैंने एक सम्मानित कर देश लैवल से। पर मेरे तो लॉकडाउन के दरमियान ही परचा किया राशन मंडन का, अगर मैं राशन मंडन चला गया, अगर उत्थे भीड़ होगी मेरा की कसूर आ, मैं 5 लाख का राशन मंडन चला गया, मेरे से परचा ठोक दिता, ठीक है। हुण अगर कोई मरीज़ आ गया, मरीज़ चला गया, मेरे तो मैनू आ गया नहीं, तैनू परचा टक देना, जां इत्थों दे मंत्रियों कोई परेशानी है मेरे तो, जां हलके दे कोई लीडरां नू परेशानी है मेरे तो, वो दुखी ने कि अहीं लुटन डे हाँ, ये बंदा सेवा करन डिया, मैनू नहीं पता प्रॉब्लम कित्थे आ। पर अगर मंत्री भी अज इस टाइम कुंभकरण की नींद सुट्टे, उन्हां दे जिले का सब तो वड्डा हॉस्पिटल आ, उन्हां दे कामे हॉस्पिटल करदा पिया, उन्हां दे आवाम नू अहीं सांभ डे हाँ, तो इस टाइम वो पता नहीं कि दुनिया च वसन डे ने। सर मैं ते सर आ रहे ने इधर, सर दे नाल जा रहा मैं, तो SHO जिहड़ा प्रचार सिंह इन्हें पहले नतेसर नूं धक्का मारिया वा, फिर मैनूं धक्का मार के लंघन की कोशिश की, मैं उहदा हाथ फड़िया वा, इन्हें इन्हां ने मुलाजमान नूं कहता कि फड़ के इन्हां नूं कुट्टो, आ मेरा हाल इन्हां ने थले लंबे पा लिया, मैनूं आ देखो मेरा की हाल जब किया बाजार के शरेआम, मैं एक डॉक्टर दे तो इन्होंने यह हाल किया, अं लोगों की सेवा करें, यह सेवा का सानू फल दे दे, साडा डॉक्टर दे सी इन्हां नूं बचाए, सानू सम्मानित करना है, इन्हां ने सानू यह सिला दिता। मेरी तो प्रशासन के अगे SSP साहब के अगे तो DJP के अगे अपील है कि इस इंसान को पहले SHO जिन्नी जल्दी हो सकता बदले जाए, नहीं तो आप कोई ना कोई अगेंस्ट कार्रवाई जरूर करवाएंगे। बड़े चिर दे आए आ, अभी 2-3 बारी सर अपने पानी पूछा, इन्हें कॉफी पियाई, चाह पियाई, ये उठन नहीं रहे, ये लास्ट बारी पता नहीं तो बाहर निकल के ग्रुप जहाँ बना बना के साढ़े सर में खिला के बड़ी पार्टी गल्ला कर रहे हैं, इन्होंने कभी मास्क लगे बचा तो नौ कर देना जो कर देना, जब इन्होंने लड़कियों धक्के मार के बाहर भजन लगे ने मुर्दाबाद की टैना से, तो इन्होंने साढ़े सट लाती आ, बहुत बदतमीज इन्होंने परचा होना चाहिए, बहुत गंदे हुए मुलाजम, बिल्कुल नहीं ठीक है मुलाजम है। उधर पूरे मामले ते SHO ने अपने ते लगे सारे इल्जामां नूं सिरे तों खारिज कर दिता।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨਾਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਖੋਹ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨਵਤੇਜ ਗੱਗੂ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਤੇਜ ਗੱਗੂ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ DSP ਰੈਂਕ ਸਾਹਿਬ DSP ਰੈਂਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ, SHO ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੇਕਰ ਕਥਿਤ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਧੀਕੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ TV ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।